दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर की हत्या की साजिश रच रहे 3 शूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा के सोनीपत के संदीप बडवासनिया गिरोह के सदस्य हैं। इनके कब्जे से 2 सिंगल सूट पिस्टल व 14 कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी शूटर की पहचान मंगेशपुर गांव निवासी गौरव राणा उर्फ मिनी, कुतुबगढ़ निवासी रोहित उर्फ जैकी और मंगेशपुर गांव निवासी अंकित चौधरी उर्फ टिंकू राधे को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल पुलिस अधिकारियों के अनुसार इंस्पेक्टर अनुज कुमार त्यागी को सूचना मिली थी कि गांव मंगेशपुर निवासी गौरव राणा उर्फ मिनी संदीप बडवासनिया गिरोह का शार्प शूटर है। वह पुराने रंजिश के चलते अपने गांव के ही घोषित बदमाश मुकेश राणा की हत्या के लिए अवैध हथियार लेने के लिए पैसे की व्यवस्था कर रहा है। इस बीच हवलदार दीपक को 22 मार्च को सूचना मिली थी कि गौरव राणा अपने साथियों के साथ द्वारका मोड़ द्वारका में छिपा हुआ है। सूचना के बाद एसीपी संजय दत्त की देखरेख में इंस्पेक्टर अनुज कुमार त्यागी, एएसआई देव कुमार, एएसआई राजेश कुमार, एएसआई सुनील कुमार व महिला एएसआई प्रीति की टीम गठित की गई। एएसआई देव कुमार की टीम ने घेराबंदी कर तीनों शूटर गौरव राणा उर्फ मिनी, रोहित उर्फ जैकी और अंकित चौधरी उर्फ टिंकू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि संदीप बड़वासिनी गिरोह और रामकरण गिरोह की रंजिश में कई लोगों की जान जा चुकी है। रामकरण गिरोह के एक सदस्य सत्यवान मलिक का भतीजा हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है। ऐसे में आरोपियों को लगता था कि गिरोह सरगना संदीप बडवासनिया की हत्या में इंस्पेक्टर का हाथ है। सोनीपत निवासी संदीप बडवासनी ने शराब तस्करों से बदला लेने के लिए वर्ष 2014-15 में गिरोह बनाया था। बाद में संदीप की हत्या हो गई। संदीप की हत्या का आरोपी विरोधी गिरोह सोनीपत निवासी रामकरण व उसके गिरोह के सदस्यों और रोहतक निवासी सत्यवान मलिक पर लगा। इसके बदले के लिए रोहतक में सत्यवान मलिक की हत्या कर दी थी। संदीप गिरोह को फिलहाल अजय रुपिंदर उर्फ नहा और गौरव राणा चला रहा है। ये सत्यवान मलिक के परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या करना चाहते थे। सितंबर 2020 में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर व सत्यवान मलिक के भतीजे पर भी जानलेवा हमला किया गया था। गिरफ्तार किए गए शूटर गौरव के खिलाफ दिल्ली व हरियाणा में हत्या, हत्या का प्रयास व कार ट्रैकिंग आदि 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं रोहित के खिलाफ 3 व अंकित चौधरी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।